भाभी आप लोगों ने तो मेरी किस्मत ही फोड़ दी जो इस गांव की गवार से मेरी शादी कर दी। इससे तो अच्छा भाभी मैं कंवारा ही ठीक था, क्यों कर दी मेरी इस गवार से शादी। देवर जी मुझे तो ये गवार पहले दिन से ही पसंद नहीं थी, वो तो आपके भैया कहने लगे कि आपके मम्मी पापा ना इसके मम्मी पापा को जवान दे गए थे कि इसे अपने घर की बहू बनाएंगे, नहीं तो मैं इस गवार को अपने घर की कभी बहू बनाती ही नहीं। हाँ भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये गवार हमारे घर की बहू बनने लायक है ही नहीं है। मम्मी पापा तो ऊपर चले गए और इसके माँ बाप को जवान दे गए थे कि हमारे घर की बहू बनेगी, इस गवार को मेरे पल्ले बांध गए हैं। भाभी मुझे तो अपने ससुराल वालों के बारे में बताते शर्म आती है, इसके पापा हलवाई हैं, इसके चाचा खेती बाड़ी करते हैं और हमारे यहाँ भाभी कोई तो डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है। तुम लोग की ना औकात नहीं है कि हम लोग से बराबरी कर पाओ। अरे देवर जी आप बराबरी की बात करते हो, इसके परिवार वाले तो हमारे यहाँ के नौकर जितनी औकात रखते हैं। भाभी जी रिद्धि के पापा आप मुझे जो मर्जी कह लिया करो, लेकिन मेरे परिवार वालों के बारे में कुछ मत कहा करो। माना मेरे पापा हलवाई हैं और मेरे चाचा खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन वो मेहनत की खाते हैं और वैसे भी कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अरे माना काम को छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि चार लोगों को बता तो पाओ। अब तुम्हारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो यही सब काम तो करने पड़ेंगे, ना तो तुम्हारे माँ बाप पढ़े लिखे हैं ना उन्होंने आगे अपने बच्चों को पढ़ाया। रिद्धि के पापा माना हम भाई बहन ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने हम सारे भाई बहनों को अच्छे संस्कार दिए हैं और जो हुनर मेरे पापा में है वही हुनर हम सारे भाई बहनों को भी दिया है। भाभी जी देखो क्या कह रही है कि पापा के पास जो हुनर था ना वो हुनर पापा ने सब भाई बहनों को दिया है, इसके पापा हलवाई हैं, भला हलवाई के और खाना पकाने के काम को भी कोई हुनर कहते हैं क्या। हाँ देवर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोई हलवाई के काम को भी हुनर कहता है क्या। आज मुझे देख लो मेरे पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बोलने में भी अच्छा लगता है और तू किसी को क्या बताएगी, तू हलवाई की बेटी है। पता नहीं कैसे चैनल बनेगा मेरा। रिद्धि के पापा आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक पे खाना बनाने का चैनल बना दोगे। खाना बनाने का चैनल, क्यों तुम क्या करोगे कुकिंग का चैनल बनाकर। वो क्या है ना रिद्धि के पापा, आपको तो पता ही है मेरे पापा कितने अच्छे हलवाई हैं और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाना भी सिखाया है। मैं चाहती हूँ कि अपने चैनल पर होटलों और शादी जैसा खाना बनाना सिखाऊं। क्या चैनल बनाकर होटल और शादियों जैसा खाना बनाना सिखाओगी। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुम्हें बोलना तो ढंग से आता नहीं है और चलियो फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो बनाने। रिद्धि के पापा माना मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती पर मैं हिंदी बहुत अच्छे से बोल लेती हूँ, मैं अपने चैनल पर हिंदी में खाना बनाने की विधि बताया करूंगी। हिंदी में खाना बनाने की वीडियो बनाओगी। एक बात बताऊं तुम्हें, वीडियो बनाने के लिए ना कॉन्फिडेंस लेवल हाई चाहिए होता है और तुम तो किसी के सामने ठीक से बात भी नहीं कर पाती हो, क्या वीडियो बनाओगी तुम। वीडियो में क्या बोला करोगी, हेलो फ्रेंड्स मैं होटल जैसा शाही पनीर बना रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अरे तुम्हें इंग्लिश क्या, तुम्हें हिंदी ढंग से बोलनी आती नहीं है और चलिए वीडियो बनाने, तुम्हारी हिंदी में भी ना गांव की भाषा झलकती है, क्यों अपना मजाक उड़ाओगी और मेरा भी। तुम ये चैनल बनाने का भूत ना अपने सर से उतार दो, क्योंकि तुम्हारे बस की नहीं है चैनल बना के उसके ऊपर वीडियो अपलोड करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आज शाम को ना मैं जिस होटल में नौकरी करता हूँ वहाँ के ओनर हमारे घर आ रहे हैं, मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज हमारे घर आ जाना क्योंकि उनको ना हमारे एरिया में कुछ काम है, तो हमारे घर भी वो आ जाएंगे, तो तुमसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज तुम उनके सामने मत आना और चाय पानी के लिए ना भाभी को उनके सामने भेजना, क्योंकि अगर उनको पता चलेगा ना कि मेरी बीवी अनपढ़ गवार और गाँव की है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सर थैंक यू सो मच, आप मेरे कहने पर मेरे घर आए, सर मुझे बहुत खुशी हो रही है और सर ये मेरी भाभी हैं, लीजिए सर लीजिए। सर बहुत क्वालिफाइड है मेरी भाभी और फैशन डिजाइनर है सर, मैं भाभी को बहुत मानता हूँ। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राजीव तुम्हारी वाइफ कहीं नजर नहीं आ रही। सर मैं आपको बहुत मानता हूँ और आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपसे ना झूठ नहीं बोलना चाहता, एक्चुअली क्या है ना मेरी वाइफ ना गाँव की गवार है और कम पढ़ी लिखी है, इसलिए मैंने अपनी वाइफ को बोला था कि मेरे ऑफिस से कोई भी आया करे ना तो तू अपने कमरे में रहकर, सर वो अपने कमरे में बैठी है। चलो छोड़ो सर आप ये लीजिए सर बर्फी। ठीक
ठीक है। अरे वाह राजीव, बड़ी टेस्टी बर्फी है, कौन सी दुकान से लाए हो? मेरा होटल जरूर है लेकिन मैंने इतनी स्वादिष्ट बर्फी आज तक नहीं खाई। सर मैं बर्फी कहीं से लाया नहीं हूँ, मेरी वाइफ ने घर पर ही बनाई है। मेरी वाइफ के पापा ना हलवाई हैं, तो मेरी वाइफ ने अच्छा खाना बनाना अपने पापा से ही सीखा है। बस मेरी गवार वाइफ में इकलौती यही खूबी है। क्या राजीव, तुम इसे इकलौती खूबी बोलते हो? बल्कि है ना, अच्छा खाना बनाना एक बहुत बड़ी खूबी होती है। राजीव मुझे बहुत बुरा लगा जब तुमने कहा मेरी वाइफ कम पढ़ी लिखी और गांव की गवार है, और मेरे आने पर तुमने उसे कमरे में रहने के लिए कहा। क्या हुआ, तुम्हारी वाइफ कम पढ़ी लिखी है या गांव की है, लेकिन उसके पास खाना बनाने का इतना अच्छा हुनर तो है। और एक बात बताऊं राजीव, ये हुनर किसी किसी के पास होता है। सर मैं आपके आगे ज्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन खाना बनाना भी कोई हुनर होता है क्या? अब मैं किसी को क्या बताऊं कि मेरी वाइफ गांव की रहने वाली है, गवार है, लेकिन खाना अच्छा बनाती है। सर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्या लोग मजाक उड़ाएंगे? एक बात बताऊं राजीव, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन जिसके हाथ में हुनर है ना, वो भी किसी से कम नहीं है। राजीव तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मैं भी कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन अपने हुनर के दम पर मैंने इतना बड़ा होटल खड़ा किया है। राजीव तुम्हें तो अपनी वाइफ को हिम्मत देनी चाहिए, लेकिन तुम उसे गवार बोल बोल के उसकी हिम्मत को तोड़ते हो। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने अपने वाइफ के हुनर को कभी नहीं पहचाना, हमेशा गवार गवार कह के उसकी हिम्मत तोड़ी है। आप सर अगर आज इधर नहीं आते ना, तो मुझे मेरी गलती का एहसास कभी नहीं होता।